सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू न्यूज। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले दोस्तों, अगर आपके पास ओप्पो A3 प्रो 5G मोबाइल दोस्तों, आप उसमें कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए करना है सिंपली अपने मोबाइल के डायलॉग ओपन करना। डायलॉग ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको साइड में 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स का, आपको सिंपली सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। सो होने के बाद तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का, आपको सिंपली उस पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको आपके मेटिक्स वाला आपको ये टिक इनेबल कर देना है। टिक इनेबल करने के बाद आपको करना है ऑलवेज रिकॉर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपके मोबाइल में जब भी किसी नंबर से कॉल आएगी तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होने लगेगी। दोस्तों आप किसी पर्सनल नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, इसके लिए करना क्या, दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड दिस नंबर, तो आपको सिंपली उसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद करना क्या दोस्तों, चूज ए कॉन्टैक्ट, दोस्तों आपको जो भी नंबर पे इसकी दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो आपको चूज ए कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट से यहाँ पे जो भी नंबर पे आप करना चाहते हैं आपको यहाँ से वो नंबर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जब भी इस नंबर से कॉल आएगी दोस्तों आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होने लगी। दोस्तों इस तरह से आपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वीडियो सुनते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब में बैठे के मिलेगा वीडियो में।